हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आरसीसी का लेक्चर हम लोग, ये लेक्चर 13 है ना, तो हम लोग देखने जा रहे हैं। हम इसमें लेक्चर 12th में हमने बात किया था कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम का, कि आपका फैक्टर लोड दिया हुआ है, ये लोड दिया हुआ है यानी कि मोमेंट अगर दिया हुआ है तो आपका साइज कैसे डिजाइन करेंगे, यानी फ्लेक्जरल बेंडिंग मोमेंट हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। तो टाइप्स फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देख चुके थे, अब टाइप टू हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग आते हैं लेक्चर में, क्या कह रहा है टाइप टू का प्रॉब्लम, है ना। टाइप टू का प्रॉब्लम क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए लेक्चर 13 का टाइप टू में क्या होगा कि अगर आपका ये लेक्चर 12 का थोड़ा सा देख लेते हैं, टाइप्स प्रॉब्लम वन क्या था कि डिटरमाइन, पहले हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे, इसमें स्टेप बाय स्टेप करेंगे सब काम, कि पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर आपका क्या दिया हुआ है, अगर आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ, डिटरमाइन हमको करना है एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, है ना, इफ बी एंड डी एंड एम यू आर गिवेन, ठीक है। तो पहले आप पहले स्टेप में क्या डिटरमाइन करिएगा, तो फर्स्ट स्टेप में आप ग्रेड ऑफ स्टील से डिटरमाइन कर लीजिएगा एक्स यू मैक्सिमम अपॉन डी, है ना। फिर निकाल लीजिएगा लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ गया। अगर लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसके बराबर हो गया तो आपको एरिया ऑफ स्टील इस प्रकार निकाल लेना है, कोई झंझट ही नहीं है ना। लेकिन अगर एम यू छोटा आ गया एम यू लिमिटिंग से, ठीक है, एम यू छोटा आ गया एम यू लिमिटिंग से, तो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस आप एरिया ऑफ स्टील जो निकालना है इस प्रकार से निकालना है ना। डिजाइन मोमेंट आपको छोटा आ गया किसे, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि लिमिटिंग मोमेंट, जो मैक्सिमम मोमेंट आपका है, तो एरिया ऑफ स्टील आपको इस प्रकार हमको निकालना है ना। अगर एम यू ग्रेटर आ गया एम यू लिमिटिंग से तो सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स होगा, और एम यू लेस देन आ जाएगा एम यू लिमिटिंग से तो सेक्शन आपका क्या होगा, अंडर रेनफोर्स होगा, है ना। एम यू लेस देन एम यू लिमिटिंग तो आपका सेक्शन कैसा होगा, अंडर एनफोर्स्ड होगा, और एम यू ग्रेटर आ गया एम यू मैक्सिमम से यानी एम यू लिमिटिंग से तो सेक्शन आपका क्या होगा, ओवर एनफोर्स्ड हो गया, है ना। सेक्शन कैसा हो गया, तो सेक्शन इज ओवर एनफोर्स्ड एंड हेंस शुड बी डिजाइंड और डिजाइन अ डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन। तो हम लोग अब डिजाइन किसको करेंगे, डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन से करेंगे हम लोग, जिसको पढ़ना आपको चैप्टर 7 में, मतलब इस बुक के अनुसार है, हम लोग का यूनिट 3rd होगा, देख लेना इस यूनिट में। तो डबली रेनफोर्स्ड में फिर हम चल जाएंगे, ठीक है। डबली रेनफोर्स्ड तभी डिजाइन होता है जब ओवर रेनफोर्स होता है, मतलब डिजाइन हमको मोमेंट को करना है वो मैक्सिमम मोमेंट से जो है वो ज्यादा आ गया, तो आप डबली रेनफोर्स्ड में फिर चल जाइएगा। अब टाइप्स ऑफ टू प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम टू में क्या होगा कि आपको इस वक्त फैक्टर मोमेंट दे देगा, है ना, ये क्या आ गया, फैक्टर मोमेंट दे देगा या डिजाइन मोमेंट दे देगा, ठीक है। टाइप टू प्रॉब्लम में क्या दे देगा आपको, फैक्टर मोमेंट दे देगा या डिजाइन मोमेंट दे देगा, है ना, टाइप टू प्रॉब्लम में, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, साइज निकालना है, डायमेंशन निकालना है बीम का, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट निकालना है, ठीक है। तो डिटरमाइन डिजाइन मोमेंट इज नॉट गिवन, मतलब अगर एम यू आपको नहीं गिवन है ना, टाइप टू प्रॉब्लम में आपको निकालना है टेंसाइल रेनफोर्समेंट ऑफ साइज, अगर एम यू आपको नहीं गिवन है, डिटरमाइन डिजाइन बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। एज्यूम सुटेबल वैल्यू ऑफ डेप्थ विड्थ, अगर एम यू नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से खुद से क्या एज्यूम कर लीजिएगा, बी का वैल्यू, ठीक है, डी का वैल्यू, जैसे बी का वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं 300,
डी का वैल्यू ले लेंगे आप मुन के 600 या 500 के आसपास ले सकते हैं, है ना। अगर बी का वैल्यू जनरली दोगुना लेते हैं, डी का वैल्यू अगर 250 है ऐसा मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग लेते हैं डी का वैल्यू इसका दोगुना, तो हम ले लेंगे कितना 500 mm, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। एज्यूमिंग द सुटेबल डेप्थ ऑफ एंड विड्थ, है ना, एज L/12 और L/15 एंड विड्थ मे बी टेकन एज L/2 और सॉरी क्या दिया है 1/2 to 1/3 ऑफ डेप्थ। देखो जैसे कि आपका लेंथ ऑफ स्पान दिया हुआ है, तो डेप्थ निकालने का सबसे तरीका है, देखो लेंथ ऑफ स्पान मतलब बीम का आपका लेंथ दे दिया, तो आपको डी निकालने का सबसे तरीका क्या करिएगा, L/12 ले लीजिएगा या L/15 निकाल लीजिएगा, है ना। दोनों में से कौनों निकाल लेना है उसी को हम लोग एक को एज्यूम कर लेना है, और बी का वैल्यू जो होगा वो डेप्थ के आधा या एक तिहाई ले लेना है ना, D/3 ले लेना है, ठीक है, D/2 ले लेना है या D/3 ले लेना है, ठीक है ना। चलिए, और अगर आपको क्या दे दिया होगा, कैलकुलेट सेल्फ वेट ऑफ द बीम एंड डिटरमाइन टोटल लोड बाय द एडिंग इम्पोज लोड सेल्फ वेट। जैसे देखो कंक्रीट का सेल्फ वेट भी निकालना होगा, सेल्फ वेट कैसे निकालिएगा, देखिए सेल्फ वेट कैसे निकालिएगा, जैसे वेट इज इक्वल टू होता है क्या, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी गामा, तो गामा ऑफ कंक्रीट जो होता है 24 kN, है ना, करेंगे इसको, ठीक है, गामा ऑफ नमस्कार होता है क्या, देख लेना इसको, तो मतलब 24 kN/m होता है जी वेट, है ना, पर मीटर होता है, पर मीटर, ठीक है। ये कि यूनिट वेट, यूनिट वेट तो मीटर क्यू में होगा ना जी, ऐसे कैसे लिख लेते हो, 24 kN/m³ गामा का वैल्यू फॉर कंक्रीट के लिए, है ना। हाँ तो वेट कैलकुलेशन करना है, तो हम वेट कैलकुलेशन के लिए लिखेंगे गामा इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, विड्थ हाइट डेप्थ, तो विड्थ अगर आपका क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो क्या लेना है, हमेशा 1 मीटर लेना है, ठीक है, विड्थ अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो 1 मीटर ले लेना है, ठीक है। तो डेंसिटी निकल के आ जाए, वेट निकल के आ जाएगा, डेंसिटी आपका कितना हो गया 24 kN/m, और डेप्थ आप क्या ले लीजिएगा, डेप्थ लेंथ के 1/12 भाग ये 1/15 भाग, है ना, तो वहां से वो निकल के आ जाएगा, डी रख देना है यहाँ पे, और बी का वैल्यू रख देना है, मीटर में सबका वैल्यू रखना है, ठीक है, सबका मीटर, बी का वैल्यू तो वन ले लेंगे और हाइट ले लेना है, सबको वैल्यू मीटर में रखेंगे, क्योंकि इसका डेंसिटी किस फॉर्म में दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ है ना, हाँ तो मीटर में रखना है, ठीक है। तो सेल्फ वेट निकल के आ जाएगा कंक्रीट के, है ना, सेल्फ वेट कंक्रीट का निकल के आ जाएगा। फिर डिजाइन डिटरमाइन डिजाइन और फैक्टर लोड, अब देखो फैक्टर लोड यहाँ पे भी निकालने के आपको आ सकता है, या फैक्टर मोमेंट भी निकालने के लिए आ सकता है, ठीक है, क्या क्या निकालने के लिए आ सकता है, फैक्टर फैक्टर मोमेंट और डिजाइन मतलब फैक्टर लोड और फैक्टर मोमेंट भी निकालने के लिए आ सकता है। तो फैक्टर लोड जो हम W निकालेंगे वो लोड इनटू गामा एफ भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू जानते हो क्या होता है, गामा एफ वैल्यू का अगर जनरली नहीं दिया हुआ है तो 1.5 ले लेंगे, ठीक है, फैक्टर कितना होगा 1.5, मतलब हम लोग ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, जैसे लोड कितना आ रहा था, W आ रहा था ना, लेकिन हम लोड को बढ़ा के लेते हैं, ठीक है, सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए हम लोड को क्या कर लेंगे, बढ़ा के ले लेंगे, तो मेरा
डेढ़ गुना लोड क्या हो गया, बढ़ गया। अब जो लोड वहाँ पे अप्लाई हो रहा था 10 किलो न्यूटन, अब उस पर कितना हो जाएगा, 15 किलो न्यूटन। आधा हम लोड बढ़ा लिए तो डिजाइन करेंगे 15 के लिए लेकिन स्ट्रेंथ देंगे 10 के लिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, हम डिजाइन करेंगे 15 किलो न्यूटन पर मीटर लोड के लिए, है ना, लेकिन हम दिखाएंगे कितना, 10 किलो न्यूटन। मतलब उसका 5 किलो न्यूटन छुपा के हम रखेंगे, ठीक है। कितना हो कंडीशन ऐसा आएगा तो फेल नहीं करेगा आपका स्ट्रक्चर, यही फैक्टर का काम है। उसी प्रकार मोमेंट में भी है, मोमेंट में हम लोग 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आपका डिजाइन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा वो गिवेन मोमेंट से मैक्सिमम आएगा, है ना। डिजाइन जो आपको डिजाइन करना है वो एक तो मोमेंट आया नेचुरल लोड के कारण, वो मोमेंट हुआ, लेकिन उससे आपको जो उसमें मोमेंट देना है, बी में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस देना है, उसमें झेलने की क्षमता जो मोमेंट आएगा उससे ज़्यादा आना चाहिए, तभी ना आपका स्ट्रक्चर फेल नहीं करेगा। तो हमको इसलिए फैक्टर करना पड़ता है ना, मोमेंट को हमको क्या करना पड़ता है, फैक्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो कैलकुलेट द फैक्टर मोमेंट ऑफ, क्या करना, कैलकुलेट द फैक्टर मोमेंट। तो अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है तो WL² / 8 होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, बेंडिंग मोमेंट, यही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है ना। कैंटिलीवर है, एकदम याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब ये सॉम में ही पढ़ना था, बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर के लिए कितना होगा, WL² / 2, ठीक है, WL² / 2 कैंटिलीवर के लिए। और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कितना होगा, SSB भी लिखा रहेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम SSB, सशक्त सीमा बल नहीं, सिंपली सपोर्टेड बीम, कितना समझ आएगा, सशक्त सीमा बल ना, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। कैंटिलीवर बीम के लिए WL² / 2, इसको याद रखना, यही ज़्यादातर यूज होगा, है ना। तो इस प्रकार हम लोग लोड गिवन से मोमेंट निकाल सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट, और वही बेंडिंग मोमेंट किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर होगा, कि उतना हमको मोमेंट डिजाइन करना है, ठीक है। और फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ज़्यादा ही डिजाइन हो जाएगा ना। चलिए दूसरा, फिर हमको क्या डिटरमाइन करना है, XU मैक्सिमम अपॉन D डिटरमाइन करना है, ठीक है। XU मैक्सिमम अपॉन D डिटरमाइन करना है, ठीक है, फॉर टेबल इतना। RU भी हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे, RU इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.36। RU अभी पिछले क्लास में डिस्कस किए थे ना, RU का टेबल भी बनाए थे, टेबल भी हम लोग पढ़ लिए थे, तो RU यहाँ से निकाल लीजिएगा, टेबल से हम लोग ले लेंगे। अब निकाल लेंगे क्या, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डी रिक्वायरमेंट, ठीक है, डी आपका कितना रिक्वायरमेंट होगा, वही डिटरमाइन द मिनिमम डेप्थ ऑफ रिक्वायर्ड, कि आपका मिनिमम डेप्थ बीम का कितना, या बीम का कितना रिक्वायर्ड होगा, बीम सेक्शन का। तो डी रिक्वायर्ड निकाल लेंगे कैसे, ऐसे जैसे BD² = क्या था, RU × BD² = मोमेंट था ना जी, RU × BD² = मोमेंट था ना, तो यहाँ से हम लोग डी निकालते थे, MU / BD कांडरूट, बोलो निकालते थे कि नहीं, D = निकालते थे ना, MU / BD कांडरूट, यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। अगर इफ एज्यूम D > D रिक्वायरमेंट देन आवर एजम्पशन इज करेक्ट एंड प्रोवाइड द एज्यूम्ड डेप्थ एंड कैलकुलेट ओवरऑल डेप्थ। जैसे आपका डी हम लोग एज्यूम कर लें, अब डी रिक्वायरमेंट आपका आ गया, डी ग्रेटर आ गया आपका डी रिक्वायरमेंट से, तो आपने जो एज्यूम किया है वो सही है, लेकिन अगर क्या किया, डी लेस देन आ गया डी रिक्वायरमेंट से, तो डिजाइन सेक्शन रिपीट स्टेप 2 एंड 3, मतलब फिर से हमको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ज़्यादा लेना है, डी का वैल्यू बढ़ा के लेना है, तो डी का वैल्यू बढ़ा के लोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो इस प्रकार हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, डिटरमाइन द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, ठीक है। तो फिर क्या हमको, हम लोग क्या कर लिए कि अगर डी लेस देन आपका आ गया डी रिक्वायरमेंट से, तो क्या हो जाएगा आपका सेक्शन,
फिर रीडिजाइन करना होगा, क्या सेक्शन फेल कर जाएगा इसमें। डी हमेशा ग्रेटर लेना है डी रिक्वायरमेंट से, डी रिक्वायरमेंट जो होगा हमेशा ग्रेटर लेना है डी से, जो आपने जूम किया है ना उसे रिक्वायरमेंट जो डी है उससे ज़्यादा लेना है, ठीक है। चलिए फिर क्या करना है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ स्टील, फिर डिटरमाइन कर लेना है क्या एरिया स्टील कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। द इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइडेड ग्रेटर देन द डेप्थ ऑफ रिक्वायर्ड, तो हो गया ठीक है। बैलेंस सेक्शन शो बी आर डिजाइन अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, द एरिया ऑफ स्टील करस्पॉन्डिंग टू अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन टू कैलकुलेट फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। तो इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, क्या बैलेंस सेक्शन है तो एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेशन कर लेंगे, अगर ओवर अंडर रेनफोर्स्ड है तो एरिया ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेशन करते थे, वो क्लाउ जब इधर चलो इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे एरिया ऑफ स्टील है, इससे कैलकुलेशन कर लेंगे इससे, ठीक है, इससे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, ये इससे कैलकुलेशन करेंगे। अगर अंडर रेनफोर्स्ड आ गया तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा किस में, स्टील में, ठीक है। दिस एरिया ऑफ स्टील ए एस टी शुड बी मोर देन द मिनिमम एरिया ऑफ स्टील ए एस स्पेसिफाइड बाय द कोड, ए एस इज इक्वल टू 0.85 बी डी अपॉन एफ बाई, चूज द सुटेबल डायमीटर ऑफ फाई ऑफ स्टील बार। मतलब इसमें देखो आईएस कोड ने बोला कि आपने जो एरिया ऑफ स्टील निकाला है, ठीक है, आपने निकाल लिया, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिए जो रिक्वायर्ड आपका एरिया ऑफ स्टील है क्या इससे ज़्यादा है कि नहीं। अगर इससे ज़्यादा है तो डिजाइन आपका ओके है, ठीक है, अगर इससे कम है तो डिजाइन आपका ओके नहीं है। जो स्टील एरिया का है वो आप बढ़ा के लीजिए, ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा एरिया ऑफ स्टील बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर से एजम्पशन करना पड़ेगा डी डेप्थ, डी जो हमने एज्यूम किया था उसको बढ़ा के लेना होगा, जितना आपने डी लिया है ना उससे बढ़ा के ले लीजिएगा, ठीक है। तो एस निकालने का फॉर्मूला इसको याद रखिए कि एस निकालेंगे कैसे, जो रिक्वायरमेंट होगा एस जो होगा रिक्वायरमेंट होगा, ये चेक करने का ये सब तरीका है, डिजाइन में ये सब लिखिएगा ना तो नंबर काटेगा कभी नहीं, ठीक है। एस इजकल टू क्या लिखना है 0.85 इंटू बी डी अपॉन एफ बाई, ठीक है। चलो इसको इधर चेक करने का है डिफ्लेक्शन वगैरह ये सब, चलिए तो यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं सबको जो हम यहाँ पे मार्क किए हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे एस वाला फार्मूला है जो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपने अरे ये भी तो देखना है कि स्टील कितना रिक्वायरमेंट है कितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तब तो डिजाइन आपका सही होगा। तो आईएस कोड ने दे दिया कि आप जो एस निकालिएगा इससे बड़ा होना चाहिए 0.85 बी इंटू डी से बड़ा होना चाहिए अपॉन एफ बाई, इससे क्या होना चाहिए एस बड़ा होना चाहिए। बी क्या है आपका विड्थ ऑफ सेक्शन है, डी क्या है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ सेक्शन है, एफ बाई क्या है ग्रेड ऑफ स्टील है, बस निकाल लेना है। अगर इसे बड़ा गया तो ओके है। अब इसमें क्या है एफ आई क्या हो गया एक स्टील का एरिया आ गया है ना, आप कुछ भी डायमीटर यहाँ पे ज़ूम कर सकते हैं, M20 भी ले सकते हैं, सॉरी M20 कहाँ से आ गया, मतलब 20 mm का डाया ले सकते हैं स्टील का, या 16 mm का ले सकते हैं, 12 mm का ले सकते हैं, 10 mm का ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ स्टील निकालना होगा। तो एक का पहले हम निकाल लेंगे और जितना एरिया रिक्वायरमेंट होगा उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि हमको जैसे एरिया ऑफ स्टील डिजाइन करना है, कहाँ गया, चलो ए एस टी हमको डिजाइन करना है 1200 mm², ठीक है, एरिया ऑफ स्टील हमको निकालना है कितना 1200 mm², तो ए फाइव मतलब एरिया ऑफ वन स्टील, ए फाइव एरिया ऑफ वन स्टील, ठीक है, ए फाइव है, ए फाइव क्या है एरिया ऑफ वन स्टील, कैसे निकालेंगे पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, चलो हम डाया ले लेते हैं कितना, हम 20 mm का सरिया यूज करना चाहते हैं, 20 mm का रड यूज करना चाहते हैं, 20 mm का स्टील यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 100 pi, बताओ 100 pi आ जाएगा ना। तो नंबर ऑफ स्टील जो हम निकालना है वो कितना होगा, नंबर ऑफ आपका बार कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टील आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टील आ जाएगा टोटल
एरिया डिवाइड बाई एरिया ऑफ वन स्टील, ठीक है। तो जो डिवाइड करके आ गया, मान लीजिए फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको बढ़ा के ले लीजिएगा, चार बार कर लीजिएगा। मान लीजिए फ्रैक्शन में तीन आ गया, 3.42 आ गया, कुछ आ गया, तो एक रड हमको क्या लेना है, बढ़ा के ले लेना। जैसे इस्टीमेशन कॉस्टिंग में सीमेंट नंबर ऑफ सीमेंट आपके आ जाता था 9 पॉइंट समथिंग, तो 10 ले लेते थे। उसी प्रकार स्टील में भी क्या कर लेंगे, बढ़ा के ले लेंगे, है ना। तो इस प्रकार डिजाइन कर लीजिएगा। फिर नंबर ऑफ, यही है नंबर ऑफ वायर रिक्वायर्ड, AST/FI, ठीक है। द टेंसाइल अंडर एनफोर्स सेक्शन बैलेंस्ड, D=D रिक्वायरमेंट, देन द एरिया ऑफ स्टील कैन बी डिटरमाइंड, दिस इज इक्वल टू, ठीक। ये तो कर ही लिए थे, है ना। अदरवाइज हम लोग यूज करेंगे वनली डिजाइन फ्लेक्जरल रिक्वायर्ड द फॉलोइंग अप टू स्टेप 5। इफ फुल डिजाइन ऑफ बीम इज रिक्वायर्ड विथ ऑल चेक, डू स्टेप 6, 7, 8, 9। मतलब ये सब 6, 8, 7, 9 में ना आपको स्टेप चेक करना पड़ेगा। जैसे हम लोग डिजाइन कर दिए, चलो ठीक है, अब उसको चेक करना है कि आप डिजाइन जो किए हैं सही है या गलत है, तो ये ही आपको बताएगा चेक। अगर चेक कर लीजिएगा ना, तो कोई माइकल लाल नहीं आपका नंबर काटेगा। चेक करके आप सही निकाल दिए ना, तो डिजाइन में कोई नहीं आपका नंबर काटेगा। तो चेक करने का तरीका यही पे है कि पहले हमको चेक क्या करना है, कैलकुलेट द सर्विस स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस कैसे हम लोग निकालेंगे, तो स्ट्रेस निकालेंगे FS 0.58 F/ AST रिक्वायरमेंट अपॉन AST प्रोवाइडेड। AST कितना रिक्वायर्ड है, AST कितना प्रोवाइड किए हैं वो, ठीक है। तो यह परसेंटेज ऑफ स्टील आप निकाल सकते हैं, फिर परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल सकते हैं, AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइड। तो जैसे AST रिक्वायर्ड मेरा था कितना, 1200 था, है ना। हमने AST रिक्वायर्ड, AST रिक्वायर्ड था 1200, हमने प्रोवाइड कर दिया 1300, तो ओके रहेगा आपका, आपका डिजाइन ओके रहेगा, ठीक है, है ना। परसेंटेज ऑफ स्टील भी निकाल लेना है हमको। तो अगर कॉलम में है तो 0. मतलब 4% से परसेंटेज ऑफ स्टील आपका कम नहीं आना चाहिए। मतलब मैक्सिमम हम लोग परसेंटेज ऑफ स्टील कॉलम में 4% दे सकते हैं, बीम में 1-2% दे सकते हैं, है ना। तो परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर क्या करना है, फाइंड द मॉडिफाइड फैक्टर KF KS, KT है, KT FS PT, ठीक है। तो यहाँ से फिर निकालना है L/D maximum = 20/KT, फिर L/D maximum = 7/KT किसके लिए, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। और ये निकालेंगे फॉर कैंटिलीवर बीम के लिए, ये निकालेंगे फॉर, अगर L/D maximum greater आ गया L/D से, है ना, तो क्या होगा, आपका डिजाइन ओके होगा, ठीक है। L/D maximum पहले निकालेंगे और 20/10 20 × KT निकालेंगे। KT कैसे निकालेंगे, फिगर 5.1 में देखिए, ओ नहीं क्या नहीं दिया क्या, KT का वैल्यू कोड में देना रहे, दे दिया रहता है, ना न। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि देखिए L हम निकाल लिए, ठीक है, L तो सबका सेम रहेगा, लेकिन एक में क्या है, D रिक्वायर्ड है और एक में D प्रोवाइड है, ठीक है। तो इसका रेशियो निकाल लीजिएगा, यानी कि D हम जो रिक्वायर्ड था उसका रेशियो, L/D जो रिक्वायर्ड था उसका रेशियो, और L/D जो हम प्रोवाइड किए हैं यानी D मैक्सिमम उसका रेशियो अगर ग्रेटर आ गया, मतलब L/D maximum का रेशियो जो हम प्रोवाइड किए हैं उससे ज़्यादा आ गया, तो ओके है आपका डिजाइन। अगर इससे कम है तो डिजाइन सेक्शन क्या है, फिर से डिजाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। डिजाइन फॉर सीयर अभी नहीं पढ़ाए हैं, सीयर हमको बताना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। सीयर डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 20 नंबर का आता है, इनको नेक्स्ट लेक्चर में यही हम स्टार्ट करेंगे।
इन तो थोड़ा सा डबली रेनफोर्स देख लेंगे, उसके बाद हमको ये हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इस प्रकार चैप्टर 3.5 में हम लोग जो पढ़ गए उधर था, इसमें चेक द डेवलपमेंट लेंथ, गिव द डिजाइन समरी फॉर द स्केच ऑफ द रेनफोर्समेंट, ये स्केच भी करने के लिए आता है, तो स्केच हम बताएंगे, है ना। तो अभी क्वेश्चन पे ये सब समझ में आएगा कैसे हम लोग चेक करते हैं। गिव द डिजाइन समरी एंड स्केच फॉर स्विंग रेनफोर्समेंट, चेक डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ आपका इसमें था, डेवलपमेंट लेंथ नहीं था, L/20 था। डेवलपमेंट लेंथ हमेशा ग्रेटर देना आना चाहिए सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए और ये सब के लिए। कला अच्छा उसमें देख लेंगे कोड में, है ना, कोड में नहीं है सर, तो वो लेक्चर और ले लेंगे। चलो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ये, ठीक है। तो थैंक यू, अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप लोग वीडियो देखिए।